So, uh, अब अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास में इफ वी ऑल रिमेम्बर कौन सी कैटेगरी का रिएक्शन चल रहा था बच्चों हमारे पास इस कैटेगरी का रिएक्शन चल रहा था आर ओ एच बॉन्ड का टूटना ठीक है और ये जो एच पॉजिटिव निकलता था और ओ आर नेगेटिव निकलता था दिस रिएक्शन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल का प्रूफ था जो भी कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा बहुत कुछ पढ़ा इस कैटेगरी का एक रिएक्शन हमने कर लिया था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स और उसके बाद फिर एकदम एक, एक टॉपिक खुल गया था एसिडिक बिहेवियर का कंपैरिजन उसमें तीन छोटे छोटे स्पेशल केसेस में लिखवा रही हूं उसको आप नोट करिए फिर आज का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करती है कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें आपने एसिडिक नेचर को अंडरस्टैंड किया उस उसपे बहुत अच्छे क्वेश्चन टेस्ट में थे और उसी के बेसिस पर ये तीन छोटी छोटी चीजें जो स्पेशल हैं रेयर हैं आपको अलग से पता होनी चाहिए जिसमें धोखा खाते हैं और यही ऑब्जेक्टिव्स में पकड़ी जाती है फिर हमें गलती लगती है कि एनसीईआरटी से बाहर का है एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है एनसीआरटी किसी ना किसी तरह से कहीं बताती है ठीक है बोर्ड में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हम ये एक्सपेक्ट कहाँ कर रहे हैं किसी भी तरह के सिंपल से सिंपल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं आपको तीन फिनोल्स लिख के दे रही हूँ इन तीन फिनोल्स में लास्ट क्लास के कॉन्टिन्यूएशन में ताकि वो भी ना भूलें इसको मैंने टेस्ट में फिर कवर किया है इन तीन फिनोल्स में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा अब अगर मैं देखूं तो ओ सी एच थ्री में प्लस आर इफेक्ट होता है ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर तो ओ को डेस्पिरेट ही नहीं होने देगा पकड़ा देगा अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स और ओ एच से डिमांड ही नहीं करेगा इसका बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा जाएगा ही नहीं खास इसको परवाह ही नहीं सेम चीज यहां पर भी होगी तो लेस एसिडिक ये दोनों उतने एसिडिक नहीं होंगे जितना हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेटा पर हमें पता है प्लस आर इफेक्ट नहीं लगता तो मेटा वाला जो है वो स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा यहाँ चल रही थी बात यहीं से शुरू कर रही हूँ मेटा वाला यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसके बाद ऑर्थो और पैरा में फाइट आई थी तो कहीं पर देख के दो रीजंस डिस्कस हुए थे ऑर्थो वाले में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है ऑर्थो वाले में इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि डिस्टेंस कम है ना नजदीक है इसीलिए मोर है यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम है तो ऑर्थो वाला फिर पैरा वाला से ज्यादा एसिडिक लास्ट में पैरा ये मेरा लास्ट था एसिडिक कैरेक्टर को डिस्कस होने वाला तो जो लोग लास्ट क्लास में मिसिंग थे जैसे गौतमी थोड़ी देर में आप फ्रेश टॉपिक में कनेक्ट कर पाओगे तो अब इसके अंदर ये मैंने डिस्कस कर लिया था और कहा था कि इसमें एक और वजह भी हो सकती है ज्यादा एसिडिक होने की स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग की वजह से यहां से एच ना निकलना जल्दी चाहेगा कि यहाँ जगह थोड़ी सी मैनेज हो जाए ये डिस्कस हो चुका था लेकिन दो स्पेशल केसेस जिसमें आप लोग परेशान हो सकते हैं लेट मी शो यू ये एक्सेप्शनल स्पेशल केसेस हैं ये अलग से ही नोट करे जाते हैं अलग से ही बताए जाते हैं अगर मेरे पास ये ट्रेंड मिलता है हाउ कैन आई जस्टिफाई देखते ही लगता है ये गलत दे दिया मैम ये प्रिंट एरर है पक्के से वो वाला केस आपसे लेती हूं अगर आपको कहीं मिले तो दिस एंड दिस मुझे पता है हेलोजन जितना ज्यादा अब सारे हेलोजन प्लस आर दिखा रहे हैं इसमें प्लस आर में नहीं जाना वही लाइन अभी मैं लिखवाने वाली हूँ हेलोजन के केस में कैटेगरी एक बात याद रखिए प्लस इकलौता एक ऐसा केस है जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट इतना डोमिनेट नहीं करता जितना इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है ये अपने आप में एक सैंपल केस है अर्नब एक दिन तुमसे डिस्कशन भी हुआ था जब तुम्हारा डाउट्स के लिए फोन आया था कि वाई वी से हेलोजेंस को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जबकि आप बता रहे हो कि वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर उल्टा इसको दे रहा है तो ये एक्टिवेटिंग होना चाहिए देन ऑल्सो आई सेड कि ये कहा हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डीएक्टिवेटिंग जाता है तो क्यों क्योंकि हेलोजेंस का स्पेशल केस है ये हेलोजेंस में रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों होने के बावजूद भी एकदम एक, एक अपने आप में नयाब केस है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया रेजोनेंस नहीं करता बाकी सारे में रेजोनेंस इज बॉस यूनिवर्स इंडक्टिव इफेक्ट इज वॉट डोमिनेंट इन दिस केस तो जो यूनिवर्स बॉस भी था ना हमारा रेजोनेंस वो भी पीछे छूट गया हेलोजेंस के केस में तो तीनों में रेजोनेंस है छोड़ दो उसको जब तीनों हेलोजेंस में कंपैरिजन है तो डोमिनेट कौन करेगा इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा क्लोरीन का ये ज्यादा खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर डेस्पिरेट ज्यादा होगा ज्यादा डेस्पिरेट होने की वजह से इसका एच जल्दी निकल पाएगा तो ये तो हुआ एसिडिक बिहेवियर व्हाट अबाउट फ्लोरीन मैंने चुपचाप हटा दिया उसको फिर फ्लोरीन तो सबसे आगे होना चाहिए ना स्पेशल केस ये एक इसी मायने में नहीं है इस मायने में भी ये स्पेशल केस है कि यहाँ पर फ्लोरीन हो तो तो मैम सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है दुनिया में कुछ नहीं है वो तो सबसे ज्यादा खींचता बात तो सही है लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखनी पड़ेगी भाड़ में गए सारे इफेक्ट्स इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई अब तुम कितने इफेक्ट लगा लो ऑक्सीजन को कितना ही डेस्परेट बना लो ये हाइड्रोजन तो फ्लोरीन के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के बैठ गया तुम उसको तो तो तोड़ लोगे तुम इस बॉन्ड को कैसे तोड़ पाओगे नहीं तोड़ पाओगे एच बाहर जाएगा ही नहीं

तो इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर दोगे रेजोनेंस से आंसर नहीं दोगे talking about this case only. तो यहीं पे एक बात और छिड़ जाती है ये तो ठीक बात कही लेकिन अगर सेम हेलोजन आ गया। और मैं उस चीज के लिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन बच्चों को जो रेगुलर कॉल करके मेरे को कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं मुझे बताते रहते हैं यस लास्ट क्लास में मैंने सोलिबिलिटी के ऑर्डर में एक मिस्टेक की थी वो भी करेक्ट कराऊंगी दिस दिस एंड दिस अब मैंने आपको बताया कि हेलोजन में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है रेजोनेंस नहीं करता डोमिनेट. अगर रेजोनेंस डोमिनेट करता ना फिर तो मैं कहती यहां पर प्लस आर है यहां पर प्लस आर है नेटा पे तो आर होना ना होना बराबर है यहां पर माइनस आई यहां पर भी माइनस आई यहां पर भी माइनस आई तो उस हिसाब से हम रेजोनेंस के हिसाब से आंसर देते कि भाई क्लोरीन ने तो दे दिया अपना लोन पेयर आर एक्टिवेट कर दिया ठीक है जी यहाँ पे भी दे दिया तो उस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इसमें मेटा का होना चाहिए था क्यों क्योंकि मेटा वाला क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा है मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट लगता ही नहीं है तो ऑक्सीजन महा डेस्परेट हो गया और निकाल देगा तो आप मेटा को सबसे ज्यादा एसिडिक बता के आते हैं। और क्वेश्चन में गलत होता है आंसर तो रिपोर्ट करते है, जी ये गलत है ना जब हेलोजें की बात हो रही है प्लस आर के बजाय कौन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट तो नाउ बॉल इज इन योर कोट बताओ मेरे को अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से देखना हुआ कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक लेके आओगे अरमान नेहा अमन सिमरन नवनीत रश्मिका ऋषिका जपनीत जसलीन एनीबडी बताइए मैम मैम और तो सबसे ज्यादा अच्छा और तो सबसे ये ये अच्छा किया तुमने दे दिया। इससे एटलीस्ट पता चल जाएगा कि तुम अभी भी रेजोनेंस इफेक्ट को दिमाग में रखे बैठे हो रेजोनेंस को दिमाग से निकाल दो रेजोनेंस इसमें ऑपरेट नहीं करेगा अमन अभी हम बदल भी सकते हैं चीजों को इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सोचना है बच्चों भूल जाओ राइट right? तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से एसिडिक जो एल्कोहल्स की हमने जो भी है एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चला रखी है एल्कोहल्स और फिनोल्स की एक साथ सारे रिएक्शन कलेक्टिव चल रहे हैं एल्कोहल्स फिनोल्स के एक जैसे जो होते हैं वो सभी डिस्कस हो रहे हैं उसमें कैटेगरी वन हम डिस्कस कर रहे थे जिसको अब हम खत्म कर रहे हैं दैट इज आज हम खत्म कर रहे हैं कि Which involve cleavage of this, जिसमें एसिडिक कैरेक्टर का पूरा डिटेल हमने लिया इतना बड़ा डिटेल कैरेक्टर का किसी चैप्टर में नहीं आएगा हर हमने लिया था एल्कोहल का अगर हम किसी भी एक्टिव मेटल के साथ चाहे सोडियम है चाहे एल्यूमिनियम है चाहे एफ सी एल थ्री है उसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसका एच डिस्प्लेस होता है और बनता है मेटल के साथ एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, आयरन एल्कोक्साइड, अकॉर्डिंग तू देर वैलेंसीज। एल्युमिनियम के साथ बनता तो तीन तीन आरओ लगते, एक एल्युमिनियम पे और आयरन के साथ भी। ये हमने रिएक्शन देखा, इसमें दो ही रिएक्शन थे, पहला था ये और दूसरा था एस्टेफिकेशन आज की क्लास स्टार्ट हो रही है से. तो स्लो स्पीड में मेरे साथ वहां मैं कुछ नहीं बताऊंगी वहां जो भी कुछ है सारा इसी में बताने वाली हूं तो ये नेक्स्ट चैप्टर में पैराग्राफ एज इट इज पहुंच जाएगा सो so एस्टरिफिकेशन क्या है लास्ट क्लास में चलते चलते थोड़ा सा छोड़ा था अब हम प्रॉपर करते हैं एस्टरिफिकेशन है कोई भी एल्कोहल आर ओ एच अगर हो तो उससे क्या बनेगा एक तो बनेगा एस्टर और दूसरा बनेगा वाटर ये बाय प्रोडक्ट चेंज हो सकता है मैंने एसिड के हिसाब से बायप्रोडक्ट लिखा एक जनरल रोडमैप बता दिया

एल्कोहल के साथ मैंने सबसे पहले लिया एसिड अब कार्बोक्सलिक एसिड को एक आधी बार में खोल के लिख देती हूँ आगे मुझे अलाउ करना बच्चों इसको कंडेंस लिखने को ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो इन दोनों को अगर मैंने रिएक्ट कराया तो ये सबसे कमाल का रिएक्शन जब मैं आपके जितनी थी मैं ये बात हमेशा अपने आप को बोलती थी कि अंजना कैसे याद रखना है इसको क्योंकि ऑर्गेनिक में याद रखना इस बिग डील भूल जाते हैं और मैंने तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में किया है जो किसी की यूनिवर्सिटी में दस से ऊपर सीटें नहीं होती और बच्चे जाते भी कम हैं सिर्फ टॉप टेन को मिलता है क्योंकि ये एक आसान ब्रांच नहीं होती So, इसमें आप ये देखिए कि आपको याद कैसे रखना है कुछ ना कुछ अपने सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे तो व्हाट आई यूज टू टेल माई सेल्फ कहने को एसिड ये है लेकिन एच कॉन रिलीज कर रहा है नाम के तो एसिड इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड और एच कॉन रिलीज कर रहा है एल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में मेरे को ऐसा कमाल देखने को मिला तो इससे मैंने याद रख लिया भाई जो एसिड है ना वही एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है सिंपल निकलेगा ओ एच। ओ एच निकला, अपने लिए लगाती हूँ याद करने के लिए तो आपसे शेयर कर रही हूँ वॉटर एज बाय प्रोडक्ट निकल गया जो कुछ ही चीजें उसको जोड़ देते हैं अब देखिए आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एसिड का पार्ट उसको कौन जाके जुड़ गया उसको जाके जुड़ गया ओ आर एल्कोहल का पार्ट ये हिस्सा आया एसिड से ये हिस्सा आया एल्कोहल से और ओवरऑल दोनों मिलके क्या बन गए एस्टर ये बना एस्टर साथ में बाय प्रोडक्ट बना वाटर चलो जी एसिड से तुम्हें कुछ समझ आ गया मुझे एल्कोहल का रिएक्शन अब एसिड के डेरिवेटिव से भी तो कराना है क्योंकि असली तो मेरे को वो एक बेसिक क्लियर करेगा दिस अब देखना मैं एसिड का डेरिवेटिव लिख रही हूँ अगर मैं एल्कोहल के ओ OH एच की जगह निकाल सीएल Cl लगा दू मतलब तो उसको कहते हैं एसिड क्लोराइड ये एसिड का फैमिली मेंबर है इसीलिए इसका नाम है एसिड क्लोराइड इसमें भी वही चीज होनी है एल्कोहल का एच जाएगा इसका सीएल जाएगा ठीक है जी इसके बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं वो देख लेते हैं यहां से ये ओ आर नेगेटिव चल के सीधा इसके पास आएगा तो क्या बना r डश c डबल बॉन्ड o or और, और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों बाय प्रोडक्ट बनता है h और cl बाय प्रोडक्ट मैंने पहले ही कहा था बदलते जाएंगे तीसरा और आखिरी डेरिवेटिव वो क्या है मेरे पास एसिड का एक और डेरिवेटिव है जो इस रिएक्शन में कूद पड़ता है आर प्लस वो डेरिवेटिव लिख रही मैं मैं एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड अभी ओपन करके लिख रही हूँ बाद में मेरे को ये सारे कंडेंस करना अलाउ करना अलाउ करने का मतलब है खुद समझना शुरू कर देना कि हाँ इसको मैम ने कंडेंस लिखा है आर डैश सी डबल ओ ओ और ये जो आर ओ आर ओ ग्रुप है ये दो बार होता है मैंने दो बार ओ लिख दिया इन दोनों को ज्वाइन करना था एक साथ हम्म, तो दिस एंड दिस ओ ये है एनहाइड्राइड ये डैश है बच्चों कहीं ये बीच का बॉन्ड ना लगे आप लोगों को तो लेट मी डू इट लाइक दिस दिस ये मेरे पास एल्कोहल ये एनहाइड्राइड सेम लॉजिक बड़ा सारा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर आ गया घबराना नहीं है उससे सेम लॉजिक लगाना है क्या लॉजिक लगाना है भाई अल्कोहल तो इसमें मिसबिहेव कर ही गया है। को तो एच छोड़ दे रहा खुद एच छोड़ रहा है तो ये यहां से तो एच निकालेगा इधर से कौन सा बॉन्ड टूटेगा अपना तो फिक्स है जी आर डैश सीओ का कंट्रीब्यूशन आना है है एस्टर में ये फिक्स है। इसकी जगह कुछ ही लगाओ आर डैश सीओ उधर से मांगना है तो इसका ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटा उसका वो बॉन्ड टूटा ध्यान देना क्या बना रही हूं मैं आर ये जो आर डैश है डबल बॉन्डो ये तो आया एनहाइड्राइड से, ये एसिड का एनहाइड्राइड लिखा है मैंने और इसका जो ये बॉन्ड टूटा था उसकी जगह आ गया एल्कोहल से नेगेटिव चार्ज ले के चलता हुआ इसके साथ जुड़ने के लिए, राइट ये नेगेटिव चार्ज है इसके साथ जुड़ने के लिए आ गया तो यहां क्या जुड़ा आके वो ही ओ आर सब में देखो तो एस्टर सेम बनाए बाय प्रोडक्ट का फर्क प्रोडक्ट क्या ये देखिए इसका बचा खुचा क्या है एक आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक ओ इस बचे खुचे को उसके निकलते हुए एच के साथ जोड़ दू बाई प्रोडक्ट तो एक और एसिड बन गया देखो आर डैश सी ओ ओ एच फोकस ऑन बाय प्रोडक्ट्स यहां उस पर उस पर आनी है बात फोकस ऑन बाय प्रोडक्ट्स ये तीन है कुल मिला के एस्टरीफिकेशन हो सब में सेम रहा है एक में एसिड लिया एक में एसिड का सबसे बड़ा भाई ले लिया एनहाइड्राइड इन तीनों से बना एस्टर ester. असली एस्टरीफिकेशन रिएक्शन तो हो गया जो मुझे बताना था इन तीनों में एक कॉमन चीज हुई है बच्चों और वो कॉमन चीज क्या हुई है जिस ग्रुप का एडिशन हुआ है ना अब मैं उसे सर्कल कर रही हूं ओ आर ओ आर ओ आर एसिड का जो मर्जी डेरिवेटिव ले आओ चाहे खुद एसिड चाहे क्लोराइड चाहे एनहाइड्राइड उस पे ये ग्रुप ऐड हो रहा तो आई होप इसी तरह से क्लैरिटी से हमने नोट कर लिया अब हम अगले पेज पे इस बात को दोबारा एग्जाम्पल्स के साथ लेते हैं यानी याद करने वाली स्टेज अब आई आपकी हर एक जगह एस्टेरिफिकेशन का मतलब आपको क्वेश्चन पूछने में कहा परेशान करते हैं पढ़ाते हैं है? पूछ उसको किसी और नाम से लेते हैं आपने देखा मैंने जिसको रेड गोला मारा है वो ओ आर बस अब आर की जगह मैं धीरे धीरे सी एच थ्री लिखना शुरू कर दूंगी जाके तो जाके कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है ओ आर एड हुआ किस को आर डैश सी डबल बॉन्डो को लेकिन कोई कहे भी चैप्टर तो एल्कोहल का पढ़ रहे हो और आप फिर एल्कोहल की नजर से देखो ना चलो जी अल्कोहल की नजर से देखते हैं अल्कोहल पे कौन सा ग्रुप आके ऐड हुआ है तो उसको भी मैं एक रेड कलर का गोला डाल देती हूँ अल्कोहल पे कौन से ग्रुप का एडिशन हुआ है आर डैश सीओ और आर डैश सीओ अल्कोहल पे तो आर डैश सी ओ ग्रुप ऐड हुआ है कभी भी ये ग्रुप ऐड होना इस ग्रुप को क्या कहते हैं कॉमनली एसाइल ग्रुप पहले तो ये लिख लो जिनको प्लस वन से ये चीज पता ना हो आर सी ओ को जनरली एसाइल कहते हैं कैसे पता लगा मेरे को बता रही हूं वैसे तो जैसे आर को कहते हैं एलकाइल बेंजीन एज अब्स्टिट्यूएंट है उसको कहते हैं फिनाइल वैसे ही आर को कहते हैं एसाइल लेकिन आर आर का कितना लंबा काम चलना है आर की जगह कुछ और मिल गया तो जैसे सी एच थ्री अब मैं वो प्रैक्टिस कराऊंगी पहले नाम बता दू अगर सी एच थ्री सीओ कहीं जुड़ता है इस ग्रुप को स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा पूछा गया है इसको कहते हैं एसिटाइल दो कार्बन के लिए एसिड वर्ड है जैसे एसिटिक एसिड एसिटल एसेट, एसेट, डिहाइड कॉमनली तो इस पर्टिकुलर एस्टेरिफिकेशन को

का है या उसमें अब हमें ये समझ में नहीं आता एसआईलेन क्या है एसाइलेशन है आरसीओ ग्रुप का जुड़ना अब आरसीओ ग्रुप कौन लेके आएगा एसिड या उसका परिवार वाला ही कोई लेके आएगा अब यहां ओ एच है यहां Cl है डेट मैटर तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसाइलेशन एक बात तो ये हुई लेकिन अभी तक भाई हमें याद नहीं हुआ है तो मैम ने याद भी कराना है तो अब मैं आपको याद कराना शुरू करती हूं मेरे साथ साथ कोशिश करिए बिफोर मी ही अगर आप उसका प्रोडक्ट लिख देंगे तो इट इज हेल्पफुल तीनों डेरिवेटिव के तीन रिएक्शन रिपीट और फिर उसके नीचे दो बुलेट्स एस्टेरिफिकेशन खत्म सी एच थ्री सी एल सबसे छोटा एसिड क्लोराइड ले आई जिसका नाम है इथेनोइल क्लोराइड राइट इथेनॉइल क्लोराइड को अगर आप इथेनॉल देते हो चैप्टर चल रहा है एल्कोहल तो इथेनॉल पे ज्यादा ध्यान ये आपने दिया तो आपको क्या मिलता है वही चीज अब ध्यान है, याद कैसे करना है एल्कोहल का तो एसिड निकाल के C2H5O वाला हिस्सा चुपचाप अब देखो मैंने आपको कहा था अलाउ मी टू राइट कंडेंस फॉर्मूला अब नहीं मैसी डबल बॉन्डो खोल के दे रही अब आपको पता होना चाहिए सो so, यहां पे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट मेरे को पता है एसिड वाले हिस्से से सी एच थ्री सी ओ एक बार और खोल के लिख देती हूँ उसके साथ एल्कोहल का ओ आर ग्रुप ये जो रेड अंडरलाइंड था ये ग्रुप आके जुड़ना है तो मैंने जोड़ दिया ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन इस पे स्टार लगा होगा मतलब कुछ ना कुछ आपको इस ओ पे स्टार लगा होगा इस ओ पे स्टार लगा होगा पहचानना होगा किसी एक ओ पे अगर स्टार लगा है वो कौन से वाला ओ है और वो तभी आप पहचान पाओगे जब आपको पता होगा कौन सा ओ आर कहाँ से कहाँ जा रहा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो एक तो बन गया एस्टर दूसरी चीज क्या बनी एच इस रिएक्शन की एक प्रॉब्लम है ये रिएक्शन प्रॉब्लम क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है स्लो होता है स्लो होगा रिवर्सिबल होगा तो मेरी तो एस्टर की अफेक्ट हो जाएगी एस्टर के बनना शुरू होगा पता चला इकट्ठा हुआ और ये लौटना शुरू हो गया वापस से एसिड और अल्कोहल बनाना शुरू हो गया एसिड डेरिवेटिव अल्कोहल मेरा तो नुकसान हो गया मेरे को तो एस्टर चाहिए फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड मैं तो वनीला फ्लेवर का एस्टर बना रही हूँ और मुझे आइसक्रीम की कंपनी को बेचना है या मैं किसी परफ्यूम का एस्टर बना रही हूँ आई वॉन्ट इट्स इट टू बी गुड उसके लिए मुझे किसी एक अच्छा H2O टू को नहीं बनेगा बाय प्रोडक्ट इसका सॉरी इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा एच सी एल मैंने एसिड क्लोराइड लिया है ना तो मुझे तो दिक्कत हो गई इसमें इकट्ठा होने नहीं देना उसका एक तरीका ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है प्रोडक्ट लगातार उड़ाते रहो जिसकी से रिएक्शन फॉरवर्ड भागता रहे टू रिमूव दिस एच सी एल एसिड को रिमूव करने के लिए मेरे को एक बेस लाना पड़ेगा प्रेफरेबली सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ टिकाऊजिली अवेलेबल है मेरे पास बेस पिरीडीन राइट right? मैं कौन सा बेस इस्तेमाल करती हूं पेरिडीन बोर्ड में आया वो आप एक नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिडिन इन एसाइलेशन तो पिरेडिन का रोल क्या है इसके अंदर वो रोल अब यहां नीचे लिख देते हैं पिरेडिन का रोल पिरेडिन को शॉर्ट फॉर्म में पीवाई लिख रही हूं टू रिमूव एचसीएल रेगुलरली रेगुलरली एच सी एल को रिमूव करते जाए सो एज टू इनक्रीज दाइट right? ये करना है अब मेरे पास आ जाता है एक एनहाइड्राइड से भी बता दो भाई इसको तो याद करा दिया तो एक एनहाइड्राइड भी ले लेते सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ ठीक है ये एनहाइड्राइड इसके साथ मैंने लिया फिर से इथेनोल यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पर भी बेस लेना पड़ेगा बेस क्यों लिया बाय प्रोडक्ट देख के पता चलेगा यहाँ पे भी सेम इशू है तो पहले मैं एस्टर बनाना सीख लू फिर मैं वो भी बात करूंगी अगेन एल्कोहल का तो ये वाला हिस्सा उसके सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ जाएगा आपके कंडेंस्ड लिख रही हूँ सी एच थ्री सी ओ इसके साथ कौन सा हिस्सा जुड़ गया सी एच थ्री सी ओ के साथ ओ सी टू एच फाइव अब ऐसे लिखने की आदत और पहचानने की आदत हमें डालनी है बाकी क्या बचा बाकी जो बचा मैं उसको सर्कल कर रही हूं। जो अभी बैठा है कहीं नहीं जा पाया इसको किसका साथ मिलेगा इसको साथ मिलेगा इस वाले एच का जो एल्कोहल का एच निकला है तो इसको का साथ मिला तो ये तो अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया सी एच थ्री एच है तो ये भी एसिड बाय प्रोडक्ट यहाँ पे भी बेस लेना है यहां पे भी ले लिया फॉर द सेम परपज दिस इज वॉट एस्टरीफिकेशन लुक्स लाइक लेकिन हमने देखो तो एसिड uh, क्लोराइड के साथ ले लिया एसिड एनहाइड्राइड के साथ ले लिया लेकिन गौतमी समझ आ रहा है ये लास्ट क्लास की कॉन्टीन्यूशन में आई होप समझ आ रहा होगा इस रिएक्शन से सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस सी टू एच फाइव सी ओ एच एक मैंने सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नहीं लिया था तो पता चले सबसे बेसिक ही मैं ना हूं और आप भूल जाएं। एक एल्कोहल लिया एक एसिड लिया वो ही रिवर्सिबल तो इससे एस्टर क्या बना एस्टर की शुरुआत हमेशा एसिड वाले पार्ट से किया करो सी टू एच फाइव सी ओ उसके साथ एल्कोहल का ओ सी एच टू सी एच थ्री आके जुड़ा और साथ में बना वॉटर तो ये जो वॉटर है अगेन मेरे को ये रिमूव करना है अब तक आप देखो मैंने वाटर रिमूव करने का तरीका नहीं बताया इसीलिए ये लाना है और ये भी बहुत बार पूछा गया है वाटर रिमूव करने के लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई ऐसा एसिड जो H प्लस फ्लरिश कर सके H प्लस का काम क्या होगा इस H2SO, इस H2O को निकाल के ले जाएगा डिहाइड्रेट कर देगा एसिड्स यूजुअली कर देते हैं तो वाटर को रिमूव करने के लिए हमने यहां पर रेगुलर रिमूव करने के लिए हमने यहां पर एच प्लस की हेल्प ली क्यों क्योंकि ये रिएक्शन अदरवाइज रिवर्सिबल था तो उसके लिए काम क्या किया गया रोल ऑफ जो भी एसिड ले रहे हो रोल ऑफ एच प्लस एच प्लस का रोल क्या है पहले तो देखो एच प्लस आएगा कहां से या एच सी एल या एच टू फोर कुछ भी उठा लो इसका रोल क्या है इसका रोल है रिमूवल ऑफ एच टू ओ रेगुलरली एच टू एसओ फोर प्रेफर्ड है यहां पे क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है राइट right? और एच सी एल वॉटर को सोल्यूबल कर लेता है और अपने साथ लेके चला जाता चलामूवल ऑफ एच टू ओ रेगुलरली और वो रिमूव करना क्यों जरूरी है वो भी आपने देख लिया सो राइट डाउन टू लास्ट इंपॉर्टेंट बुलेट्स फॉर एस्टेरिफिकेशन सबसे पहली बुलेट इस रिएक्शन के लिए जो ऊपर लिखा है दिस रिएक्शन ये कंपटीशन के लिए ये एनसीआरटी में नहीं है जो बुलेट में दे रही हूं reaction, पहले सारा का है, reaction, using, देने के लिए अगर एच सी एल यूज करती हूं ऊपर वाले रिएक्शन में जिसमें कोई भी एसिड या उसका डेरिवेटिव एल्कोहल के साथ एस्टरीफाई करने आ रहा है उसमें जो खास करके ये ऊपर वाला जो है इसमें अगर मैंने कैटलिस्ट एच सी एल यूज कर लिया तो इसको एक नाम से जाना जाता है एंड दिस इज फिशर स्पीयर ये एनसीआरटी से बाहर है लेकिन कंपटीशन में बड़े आराम से ये इन्वॉल्व है पूछा जाता है फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन राइट ये आपको स्लो स्पीड पे लेने का मतलब है याद करवाना और आज के टेस्ट का फायदा क्या है इसको प्रोड्यूस करने में हो सकता है आपसे गलतियां कोई बात नहीं लेकिन उस बहाने याद हो जाता है तो टेस्ट छोड़ना इज़ बिगेस्ट क्राइम फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट क्योंकि असली वो टेस्ट है जो आपके दिमाग को हिट कर जाता है देखा ये गलती कर दी उसी वजह से याद होता है तो इट इज एस्टरीफिकेशन कौन से वाला एस्टेफिकेशन है फिशर स्पियर एस्टेफिकेशन फॉर बोर्ड्स लीव दिस बट फॉर ऑब्जेक्टिव ऑलवेज रिमेंबर दिस तो पहली तो बुलेट ये लिखवानी थी मेरे को एस्टेफिकेशन की दूसरी बुलेट फीनोल के साथ ये आसान नहीं है बी कन्वर्टेड इजीली डायरेक्टली बड़े आसानी से डायरेक्ट आप एसिड दे दोगे हो जाएगा नहीं कैनोट बी कन्वर्टेड टू एस्टर बाय डायरेक्ट अटैक ऑफ एसिड नहीं ये आसान नहीं होता है इसके लिए हमें तामझाम करने पड़ते हैं इट्स नॉट ईजी तो क्यों ईजी नहीं है क्यों ईजी है क्यों डिफिकल्ट है वो बाद की बात है लेकिन मुझे फिनोल के एस्टरीफिकेशन कराने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो उससे बात आ जाती है ये थोड़ी देर के लिए 5 10 मिनट के लिए बच्चों ये कंपटीशन का हिस्सा डिस्कस हो रहा है तो एनसीईआरटी वाले यहाँ नोट ना करें तो चलेगा यहां से फिशर स्पियर और ये फिनोल्स वाली बात जो आगे अभी मैं लिख रही हूं ये एनसीईआरटी में नहीं है ईज़ ऑफ एस्टरीफिकेशन सिंगल लाइन है इसके अंदर पहले मेरे को ईज़ ऑफ एस्टरीफिकेशन पता चले फिर मैं फिनोल वाली बात भी उठा लूंगी इज ऑफ एस्टरीफिकेशन क्या है बच्चों आर और आर डैश यानी चाहे वो एल्कोहल है चाहे वो एसिड या उसका डेरिवेटिव है आर और आर डैश का साइज जितना लार्ज होता जाएगा ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन ईज ऑफ

डिक्रीज करती जाएगी यानी छोटा आर इज फेवरेबल राइट स्मॉल आर ग्रुप आर एंड आर डैश ग्रुप इज फेवरेबल फॉर एस्टरिफिकेशन ये गांठ बांध लो इसपे ऑब्जेक्टिव में काफी कवरेज है फेवरेबल फॉर एस्टरीफिकेशन, आर और आर डैश दोनों की बात यानी एल्कोहल से भी छोटे से छोटा आर देखो एस्टर्स में भी छोटे से छोटा आर देखो तो उसके हिसाब से तो मेरे पास ये आ गया Methanol का सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ एच आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का फिर टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये देख लीजिए भाई अब धीरे धीरे आपको नाम से ऐसे बोले जाएंगे ये क्या है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल ये क्या है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल अब इन्हें पहचानना शुरू करना है तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ईज कम होती जाएगी डिटोकॉपी सेम एसिड्स तो एसिड्स में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा एस्टरीफिकेशन का ट्रेंड हुआ ये इसके डीप मैकेनिज्म में जाने की आपको जरूरत नहीं है तो ये कंपटीशन वालों के लिए जो बात चल रही थी वो इसी कॉन्टिनेशन में फिनोल का भी लिख लो ताकि आपको आगे फिर दोबारा ना उठाना पड़े मैं आपको एक फिनोल देती हूं और फिनोल के साथ हां लाइट दिखाते श्योर लो जी तो फिनोल का जो मैं अब आपको लिखवा रही हूं वो अपने आप में भी एक रिएक्शन है और उसके बाद एस्टरीफिकेशन क्लोज इवन फॉर एसिड वाला चैप्टर भी एस्टरीफिकेशन यही दो पन्ने दोबारा लिख लेना मैं जब क्लास 12th में थी मैं क्या करती थी जब ये ऑर्गेनिक के टॉपिक रिपीट होते थे मैं उनको दोबारा एज इट इज लिखती थी उससे मुझे और अच्छा बेटर पता लगता था इट हेल्प्ड मी अ सो so, अब अगर मैं आगे चलू मुझे परमिशन हो आगे जाने की आप लोगों ने नोट कर दिया हो ओके yes, तो, okay, तो अब अब मैं आगे जाऊं तो मेरे को फिनोल के बारे में बात कर रही थी अब मैं थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल देती हूँ इसमें कि इसकी भी आदत रहे ये वाला रिएक्शन एनसीआर का ले रही हूँ सो दिस इज नॉट फॉर कॉम्पिटिशन ओनली ये एनसीआर की बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जहां से उठाया मैंने इतनी देर से मैं अल्कोहल और एसिड ले रही हूं एक बार भी मैंने एरोमेटिक नहीं लिया अभी का वेट कर रही थी फिनोल क्यों ना मैं एसिड डेरिवेटिव भी एरोमेटिक भाई जब एग्जाम देने लगते हैं तो हम तरह तरह के छल्ले और रिंग दे देते हैं और पढ़ाते वक्त हम देते नहीं तो लेट्स डू इट दिस टाइम कि सारे रिंग वाले मेरी क्लास में डिस्कस हो ये एनसीआरटी बैक एक्सरसाइज के दो तीन जगह मिलेगा एसिड वाले चैप्टर में भी और एल्कोहल में भी ये दे दिया आपके मैंने आपको एसिडिक ग्रुप एसिड क्लोराइड यानी यहां पर भी आर मैंने एरोमेटिक बना दिया यहां पर भी आर मैंने एरोमेटिक बना दिया बच्चों यहां मैं आर ओ एच भी ले सकती थी बट अब के मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया दिखाने में बाकी सब कुछ सेम होने वाला है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फिनोल आसानी से नहीं रिएक्ट करता एकदम डायरेक्टली आप उसको दे दो नहीं करता उसकी वजह से मुझे कैटलिस्ट के, के तौर पर स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है तो वो पीरिडिन से काम चल नहीं पाया तो मैंने कौन सा बेस लिया एक्वसेने जो ठीक ठाक स्ट्रांग बेस है बनना वही है होना वही है कि अब ये क्या करेगा यहां से इसका तो एच चला जाएगा ये बॉन्ड टूटेगा इधर से इसका सी एल टूटेगा हो वही रहा है अब जोड़ दो दोनों को तो अब जोड़ देते हैं हम तो देखो फिनोल का मैंने मैंने हमेशा बताया जो एसिड पार्ट होता है उससे लिखना शुरू किया करो एसिड क्लोराइड ठीक है बड़ा वो है बॉस वो है तो एसिड पार्ट को बस कहने कोई बॉस है उसको अपना बेचारे को नेचर नहीं करने दिया यहाँ पे दिस सीएल हटा दिया उसकी जगह वहां से ये ओ और ये एरोमेटिक रिंग आके जुड़ गया तो ये चीजें पॉसिबल हैं एल्कोहल में जो मैं आर के लिए बता रही हूँ वो सारा एरोमेटिक रिंग पे भी लगेगा बन गया एस्टर अब कोई इसको क्या बोलेगा इसका नाम क्या होगा एस्टेफिकेशन तो है वो तो मुझे पता है लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इसको एसाइलेशन भी कहते हैं एनसीआर में ज्यादातर क्वेश्चन इन नामों से पूछे एस्टेफिकेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा सब में मन अच्छा इतने सारे मैंने पीछे जो रिएक्शन बताए उसमें क्या हो रहा था उसमें एसिटाइलेशन हो रहा था किसी में प्रोपाइलेशन हो रहा था तीन तीन कार्बन का ग्रुप था यहां अगर देखो तीन तीन कार्बन जाके जुड़ रहे थे तो मेरे से कोई पूछे इसका कॉमन नेम क्या होगा जो ग्रुप जाके जुड़ रहा है तो कॉमन नेम फिर से रिवाइज करा दू यादव होगा अगर तो आर सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ता है तो उसके लिए कॉमनली क्या बोलते हैं एसाइलेशन इसी तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ता तो दो कार्बन के तो कॉमन वर्ड चल रहा है जी एसिटाइल तो वो क्या हो जाएगा एसिटाइलेशन लेकिन अगर जुड़ने वाला ग्रुप बेंजीन रिंग और उसके साथ C डबल बॉन्ड O है तो उसको क्या कहते हैं इट इज बेंजो बेंजाइल मतलब इसके साथ दो एच लगे हूँ तो ये बहुत काम की चीज है एक हजार बार बात हो चुकी बट मुझे पता है बच्चे भूलते हैं राइट है आपका भूलना लेकिन अब नहीं अब से नहीं भूलना बेंजीन रिंग के साथ सी एच टू है तब बेंजाइल है बेंजीन रिंग के साथ एक अकेला सी है बाकी कोई एच नहीं है तब बेंजो तो ये ग्रुप जाके अगर जुड़ रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगी कहने को तो सेफ गार्ड करने को जब ना पता हो तो हम कह देते हैं जी टेक्टुलेशन एसाइले मतलब आर कुछ भी हो सकता है लेकिन एनसीआरटी वाले थोड़े ज्यादा तेज हैं उन्होंने दो पार्ट बोल रखे हैं क्वेश्चन के गिव एग्जाम्पल ऑफ एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल एज वेल एज बेनजॉलेशन ऑफ एल्कोहॉल इट इज बेन्शन ये एनसीआरटी से उठा के दे रही हूं मैं आपको सी उसके बाद में कोई अपर लेयर को टच कर पाऊंगी सो so, इसको कहते हैं मैंने वाई खा लिया इसमें सॉरी ये बोर्ड मेरे कई अक्षर खा जाता है लिखते लिखते सो so, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं बेन्जो ग्रुप का एडिशन तो इट इज बेंजोइलेशन बाई वाई वाई एल ए टी आई ओ एन बेनजॉलेशन ये जो रिएक्शन मैंने ऊपर आपको लिखवाया एक्वस लिखवायाच की प्रेजेंस में चाहे मैं लेती एल्कोहल चाहे मैं लेती फिनोल मैं बॉक्स कर रही हूं इस रिएक्शन को क्योंकि इसका भी एक नाम है अगेन फिशर स्पियर एस्टरीफिकेशन और शॉर्टन एन रिएक्शन एनसीआरटी से बाहर का है नाम नहीं दिया बाकी सब कुछ दे रखा है एनसीआरटी में बेंजोइलेशन देके काम चला लिया है क्योंकि वो तो आपका इससे भी हो सकता था पिरिडीन से भी पिछले कितने भी रिएक्शन में आप यहां पर अगर बेंजोइल ग्रुप डाल देते तो वो भी बेंजोइलेशन था लेकिन नाम में आप कॉमा भी नहीं बदल सकते तो ये जो मैंने डब्बा आपको दिया है इसका नेम रिएक्शन है ऑब्जेक्टिव के लिए दैट इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन राइट right? ये नीट और एडवांस के हिसाब से ध्यान रखना है मेंस में चांस कम है एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता जिस चीज का एनसीईआरटी में नाम ना दिया हो वो मेंस में नहीं आता इक्का दुक्का चीज ऑर्गेनिक में हर साल आई है इसीलिए मेंस वालों को भी हम कहते हैं वो इक्का दुक्का यही ना हो जाए हर साल आई है इक्का दुक्का चीज तो वो एक दो क्वेश्चन होते हैं जो एनसीआर से बाहर की बट हम इतने करा चुके हैं आपको कि आपको वो हमेशा मिलेंगे शॉर्ट एंड बॉम रिएक्शन कौन सा है वो ये है बेन्शन तो ये नाम नेम रिएक्शन एनसीआरटी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है सिलेबस में लेकिन यस एनसीआरटी वालों से ये पूछ लेते हैं बेंजोइलेशन दो तो बेंजोइलेशन के लिए आपको ये फिक्स करना है आप आर दे दो जो पसंद आता है फिनोल दे दो जो पसंद आता है शॉर्टन बॉम्बिंग की कीमत असली थी होता है। तो बहुत सारा रहता था जस्ट स्पेलिंग बता के छोड़ दिया था लास्ट क्लास में मैंने आपको सो नाव मूविंग टूवर्ड्स एंड ऑफ द रियक्शन एल्कोहल्स के रिएक्शन में एक एक रिएक्शन का अच्छा डिटेल है, yes, जपनीत का अब आंसर मिला है मेरे को तो आई होप इतना नोटेड इतने में किसी को कोई इशू है तो बताओ सो आई शुड मूव टू दर पार्ट ऑफ टूडे क्लास तो ये फर्स्ट कैटेगरी हमारी हुई खत्म आई एम वेटिंग अगर कोई मुझे डाउट देता है या कुछ भी किसी को समझना आया हो उस हिसाब से फर्स्ट कैटेगरी थी कैटेगरी ऑफ दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व दिस क्लीवेज फिनिश्ड ए रिएक्शन उसमें एसिडिक वाले पढ़े बी रिएक्शन उसमें एस्टरीफिकेशन पढ़ा और कोई नहीं अगर कोई आपको बाकी बुक्स में मिले वो एनसीआरटी से बाहर है उसको मैं बाद में लूंगी सेकेंड कैटेगरी अब शुरू होती है जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा आर हमेशा की तरह मैं पहले मेजर चीज रखती हूँ बाद में लाइट और इजी चीज रखती हूँ अब मेरे को ये कैटेगरी पढ़नी है विच इन्वॉल्व आर बॉन्ड फिशन इस बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व है ये सारे रिएक्शन में मैक्सिमम आपके पिछले चैप्टर के पढ़े हुए क्विकली लिखती जा रही हूं मेरे साथ लिखते जाओ आपको कुछ और याद आए अपने लिए जगह छोड़ दो बाद में लिख देना ये वाली कैटेगरी का रोड मैप आर ओ एच ओ एच टूटा कैसे गया किसने लिया बाद की बात है अभी याद आ जाएगा और क्या बना कार्बोकैटाइन राइट right. अगर कार्बो के टाइम बन रहा है तो ऐसे रिएक्शन अब जो नीचे जितने भी मैं लिखने वाली हूं एक ही स्लाइड पे पिछले चैप्टर के सारे रिएक्शन मिल जाएंगे आपको वो वो सबके सब, के सब रिएक्शन में ईज रिएक्टिविटी ईज को रिएक्टिविटी भी बोलते हैं ईज या रिएक्टिविटी अल्कोहल्स की चैप्टर एल्कोहल चल रहा है टर्शरी सबसे पहले भागेगा क्यों बॉन्ड टूट के टर्शरी कार्बोकेटाइन बनना है, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी जिसमें रिअरेंजमेंट भी होंगे मैं भी क्वेश्चन करा रही हूं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी विल डिसाइड द ईज जिसका जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन वो इस कैटेगरी के रिएक्शन में कूद के भागेगा विल डिसाइड द रिएक्टिविटी। अब इतना कुछ लिखवा दिया एक सा बन जाता है लो जी एक और कैटेगरी आ गई मैम ने तो कहा था इजी चीज कैटेगरी दिखा देते हैं ये वाली रिएक्शन लिख देते हैं ये वाले हाँ लुक पहला रिएक्शन सारे एक साथ लिख रही हूँ सारे पिछले चैप्टर के पढ़े हुए याद है एल्कोहल से हमने एल्काइल हेलाइट बनाए थे कैसे हेलोजन एसिड दे दीजिए जहां मैं एच सी एल लिख रही हूँ वहां एच आई एच बी आर सब कुछ है विद इन सी एल टू इसको क्या कहते थे रिएजेंट और उससे क्या बनता था आर सी एल और ओ एच की जगह सीएल आ गया बचा कुचा क्या बनेगा अंडरस्टूड है वॉटर बनेगा ठीक है जी दूसरा रिएक्शन क्या था ऐसा ही एक रिएक्शन आपको याद दिलाऊं सेम कि अगर आपने इसको एच की जगह एच बी आर दिया वही मेरे को जेड एन सी एल टू चाहिए इससे क्या बनेगा RBR plus इस कैटेगरी के रिएक्शन जो अब आगे आने वाले ये ध्यान रखना है उसमें टर्शरी सबसे पहले भाग के रिएक्ट करता है फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी लास्ट चैप्टर में मैंने ये बता दिया इस चैप्टर में क्लोज कर रही हूं हर रिएक्शन के लिए मौका आपके पास आएगा ट इज कॉल्ड एज ल्यूकानेट के तौर पर इस्तेमाल किया कैसे भाई एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें मैंने डाला प्राइमरी एल्कोहल राइट दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसमें मैंने डाला सेकेंडरी एल्कोहल तीसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसमें मैंने डाला टर्शरी एल्कोहल मैंने डाला आपको नहीं पता आपको लेबल्स दे दिया भाई टेस्ट ट्यूब चिपकाना है आइडेंटिफाई करना है किसमें प्राइमरी अल्कोहल है किसमें सेकेंडरी है किसमें टर्शरी है आप क्या करोगे आप तीनों को रिएजेंट यानी तीनों जरूरत नहीं पड़ी जेडनसियल टू एनहाइड्रियल टू कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी हमको थोड़ा सा वार्म किया हीट किया टर्सरी एल्कोहल तो तैयार था बस इंतजार कर रहा था मेरा ये बॉन्ड टूटने का एल्कोहल एकदम से रिएक्ट कर गया और क्या बना दिया उससे रिस्पेक्टिव एल्काइल हेलाइट अच्छा एलकाइल हेलाइड हम जानते हैं इमेसिबल इन वॉटर होते हैं ये वॉटर में रेडिली सोल्यूबल नहीं होते दे आर इमेसिबल जिसकी वजह से ये टर्बिड मास बना देते हैं टर्बिडिटी दही जैसा दिखने वाला कर्ड जैसी होती है ना ना लिक्विड ना सॉलिड ना सोल्यूबल ना इनसॉल्यूबल गाढ़ा गाढ़ा बहुत सॉलिड सा दिखने वाला टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है टर्शरी एल्कोहल जिस टेस्ट ट्यूब में होगा उसमें अकेला एच सी मेरे को जेडेंसियल टू भी नहीं डालना पड़ा डालते ही मतलब कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए था वार्म बस रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इसको गर्म किया इमीडिएट मेरे को क्या मिल गई टर्बिडिटी टर्बिडिटी मिलने का मतलब क्या था जिस टेस्ट ट्यूब में इमीडिएट टर्बिडिटी मिली मतलब उसके अंदर तो टर्शरी एल्कोहल था लेबल चिपका दो फिर आती है बात वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने एच डाला साथ में आपको पूरा ल्यूकास रिएजेंट देना पड़ा प्लस थोड़ा सा हीट भी करना पड़ा उसके बावजूद भी टर्बिडिटी अपीयर इन फाइव टू टेन मिनट पांच से दस मिनट लगेंगे टर्बिडिटी आने में टर्बिडिटी अपीयर होने में ठीक है और जैसे ही पांच से दस मिनट बाद इस में आ गई हमने इस पर लेबल चिपका दिया उसके बाद भी अगर आप वेट कर रहे हो ना कि जेड टू इसमें भी डाल दिया इसको बड़े हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया मैंने तो करना है टर्बिडिटी बताओ मैम इसमें बीस मिनट बाद आती है कि पच्चीस मिनट बाद आती है पूछना नहीं मुझे नहीं पता इसको यूजलेस माना जाता है जब पता लग गया कि आखिरी वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें पांच से दस मिनट के बाद भी टर्बिडिटी नहीं अपीयर हुई तो टेस्ट को क्लोज किया जाता है और क्या लिखा जाता है नो टर्बिडिटी फिर उसमें ये नहीं फैलना चाहिए आधे घंटे बाद तो आई गई होगी और भाई आ गई होगी आधे घंटे बाद तुमने तो बर्तन साफ करके वापस रख दिए हमने नहीं ये कंटेनर संभाल के रखे टेस्ट पूरा हो गया ये है टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल कौन सा रिएजेंट यूज होता है सिंगल रिएजेंट आज की डेट में अगली क्लासेस में और आ जाएगा ल्यूकास रिएजेंट सो so ये तो वही पढ़ा हुआ रिएक्शन था लेकिन ल्यूकास के को टेस्ट की तरह उस चैप्टर में नहीं बताया था तो ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस जो फर्स्ट कैटेगरी कैटेगरी सेकेंड में फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इसके बाद मैं आपको लिखवा देती हूँ एक साथ इसके बाद मेरे को लगता नहीं मुझे अलग अलग लेना चाहिए सारे रिपीट हैव हाँ बोलो एल्कोहल को आप एसओ टू दो एसओ सी सॉरी मैं बार बार एल आई वाला एसओ ले आती हूँ एसओ SO, सी दीजिए क्या होगा RCL वन ऑफ द बेस्ट मेथड थी अल्काइल लाइक बनाने के लिए रेड फॉस्फोरस प्लस I2 दे दो उससे क्या होगा Ri किया हुआ है जी ये तो उसके बाद PCL3, PCL5, PBr3, PBr5 कुछ ही दे दीजिए उससे भी एल्काइल हेलाइट बन जाएगा एक मेथड ऐसा भी पढ़ा था हमने एच बी आर दे दो एच टू फोर के साथ रिफ्लक्स करना तो एच uh, आई अकेला एच आई में रिफ्लक्स था इसमें ये हमें दिया था कि एसिड के साथ एच बी आर दे दोगे तो भी आर बी आर बन जाएगा एक और मेथड थी पांच छे थी एल्कोहल से फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइट चैप्टर यही था और एक एक हमारे पास था अकेला एच भी दे सकते हो आप रिफ्लक्स कर दो बार बार उबालते रहना, करते रहना, उबालते रहना 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 करते उससे क्या बन जाएगा आ रही, ये सारे रिएक्शन इसी कैटेगरी के तो थे आर ओ एच का टूटना और उसकी जगह एल्काइलना सब कैटेगरी में क्या मैकेनिज्म यूज होगा क्या बनेगा जब ओ एच टूटेगा तो पूरे चांसेस हैं यहाँ क्या बनेगा तो उसका आपको नहीं आता तो दिक्कत होगी so, नवनीत का कहना है, दिखा दो. ये निहायत है तो दिखा देती हूँ वैसे नोट्स में शेयर कर लूंगी आप लोगों से जैसे हमेशा करती हूँ बट फिर भी क्लास के टाइम नोट हो गया हो गया ये लाइव क्लास का एडवांटेज सिर्फ ये बच्चे इससे भी पिछली लाइव क्लास का एडवांटेज बच्चों एक ही है कि इस बहाने से हो जाता है जो लोग इस बहाने इस सहारे रहेंगे ना कोई बात नहीं मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख लू या कर लू वाकई में आप लोगों की जान इतनी जगह फंसी हुई है आपको टाइम नहीं मिलेगा रेदर टाइम होता है लेकिन आप निकाल नहीं पाते सो क्लास so, के साथ जितने काम हो गए बेस्ट है उसके बाद आधा घंटा दिया करो इन कामों को छुटपुट कामों को पूरा करने का पेंडिंग का ढेर मत लगाओ वो कभी पूरा नहीं होता डेडलॉक बन जाता है ब्लेम किसी पे भी नहीं सो अब इसको समझाने के लिए समझने के लिए कि मैं ऑब्वियस मान लू आप बच्चों को आता है और आपको आता नहीं है मैं यहाँ लिखवा देती हूँ एक ही शीट पे सारे लाइट रिएक्शन का डिटेल रहेगा एल्कोहल कोई भी एल्कोहल ले लो उससे ओ एच हटके इनमें से कोई भी तरीके से हेलोजन आ जाना चाहे वो बी आर आए चाहे आई आए चाहे कुछ भी आए ये रिएक्शन दो तरीकों से होता है लेट्स रिवाइज वो अल्काइनलाइट वाला या एस एन वन से या एस एन मतलब टू से स्टेप. टू स्टेप मतलब तो तैयार रहो आज के टेस्ट में Rearrangement. मेरे क्लास टेस्ट नीट -oriented हैं क्योंकि नीट की ऑर्गेनिक मुश्किल आती है सो एवरीबडी शुड मेक स्टैंडर्ड की क्लास टेस्ट में क्वेश्चन समझने लायक बनना है गलती हो कोई बात नहीं एस एन टू में नो no कार्बोकेटायन यहाँ नो कार्बोकेटाइन के, के बजाय बेटर है मैं वो लिख तू जो बनता है जो हमने देखा हुआ है एक स्टेप में पेंटा वेलेंट कार्बन का एक इंटरमीडिएट बनता है तो इसमें तो रीअरेंजमेंट की कोई गुंजाइश नहीं और असली काम की बात ये तो चलो मेरे मन रखने के लिए मैं लिख रही हूँ असली काम की बात आपके लिए सेकेंडरी और टर्शरी में हमेशा कार्बोकेटाइन वाला रूट अपनाना प्रोडक्ट बनाते वक्त आज टेस्ट में भी ताकि याद रहे कार्बोकेटाइन बना रियरेंजमेंट हो सके तो करने और SN2 में प्राइमरी सेकेंडरी कभी नहीं चाहेगा SN2 से जाना ये सौ टके की बात है कम से कम भी इस चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन जो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में आएगा जो पिछले चैप्टर से आपका कनेक्टेड है वहां कोई कसर रह गई तो ये यहां पूरी होगी तो समझ लो ये दोनों लेसन का मिला के मैंने एक हिस्सा ले लिया दोबारा में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है बस ओवर ना आए तो अब इस कैटेगरी का आखिरी रिएक्शन राइट कौन सी कैटेगरी चल रही थी ओ एच बॉन्ड टूटना उसका एक ही रिएक्शन लिया मैंने वन अब इसका इसी कैटेगरी का आखिरी रिएक्शन ले रही हूं दो दो रिएक्शन ही है हर कैटेगरी में तो दूसरा रिएक्शन अगर मैं लू इसमें उसका नाम है डी हाइड्रेशन पता नहीं इसको इस कैटेगरी में क्यों रख दिया एनसीआरटी ने ये अल्कोहल एज अ होल मॉलिक्यूल है बट एनसीआरटी ने रखा तो आई हैव टू एग्री टू इट इसको अलग ही कैटेगरी मान के चलो वैसे डिहाइड्रेशन इसमें एज अ होल अल्कोहल पार्टिसिपेट करता है होल अल्कोहल अकेला ओ एच हाउ इसका रोड मैप ये भी पूरा रिपीट है अभी देखना कैसे डिहाइड्रेशन उसमें क्या होगा कोई मर्जी अल्कोहल ले आओ जो मर्जी ले आओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पूरी छूट है तो मैं इस तरह से लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे आप कहा क्या लिख सकते हैं अब पर जो जो ग्रुप लिखते जाएंगे उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बनता जाएगा ये मैं एक आपके पास सिंपल अल्कोहल ले आई अगर आपने इसको डिहाइड्रेट करने के एजेंट अभी आज बताया एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा मोस्ट चीपली अवेलेबल इजिली स्टोरेबल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है हर जगह मिल जाता है सस्ता तो खैर है ही एच टू एजेंट डीहाइड्रेट करता है आपके हाथ पे जब एसिड गिरता है ये वही वाला एसिड है जब मैंने पहले भी बताया जिसको हम तेजाब के नाम से जानते हैं ये थोड़ा भी हमारे हाथ पे गिर जाए तो सारा पानी सोख लेता है एसिड के जलने पे कभी भी आप अगर देखते हैं किसी किसी टिश्यू लिविंग टिश्यू चाहे पौधों पे अगर आप थोड़ा सा एसिड डाल के देखी तो आग लगती दिखती नहीं लेकिन कहा जाता है वो जल गया इसलिए नहीं कि फ्लेम उठी है इसीलिए कि सारा पानी सोख लिया हर सेल डेड हो जाता है ये पूरे वाटर को खींच डालता है पूरी स्किन बोन्स बोन्स तक तो खैर चारिंग पहुंचती है इसकी लेकिन जो अगर किसी की स्किन पे गिरता है प्रोटीन लेयर फैट लेयर एवरी लेयर सब जगह से वाटर खींच के डिहाइड्रेट कर देता है इतना अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अब वाटर खींचना है इसने ये गया ओ तो ये वाटर खींचने में डिहाइड्रेशन में सिंगल लॉजिक है ये OH जिस C से गया उसके पड़ोसी C से H निकाल दो सेम जो बीटा एलिमिनेशन हमने पढ़ा था अल्काइल हैलाइड में OH की जगह वहां था Cl और पड़ोस वाले C से H सारे में एलिमिनेशन हमने यही पढ़ा था सेटजफ और वो सब कुछ डिक्टो कॉपी क्या बना यहां पर डबल बॉन्ड आ गया इससे ओ OH एच गया इससे एच गया तो पड़ोसी चुनने पड़ेंगे आपको पड़ोसी जितने हैं उनमें से सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी एच हर एक से जा सकता है मेजर प्रोडक्ट सेट होगा माइनर हॉफमैन होगा वो भी देखते हैं यानी कि डिहाइड्रेशन से बनता क्या है एलकीन तो डिहाइड्रेशन से लास्ट ईयर प्लस वन एल्कीन की प्रेपरेशन में दो ही तो रिएक्शन थे एक था डिहाइड्रेशन एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एलकाइल जो पिछले पढ़, पढ़ के आ गए हम चैप्टर में लेकिन अब चाहे हम कितना ही पढ़ के आए हमें याद नहीं है जी हमें तो दोबारा करना है तो लेट्स अगेन इन वन टेक, CH3, CH, CH2, CH3. ये मैंने लिया एक सेकेंडरी एल्कोहल से, आप जानते हो अभी अभी मैंने बताया जो भी ऐसे रिएक्शन है जिसमें ओव एच निकल रहा है वो सेकेंडरी में और ज्यादा तेज होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी अगर मैं ऊपर वाला प्राइमरी मान लू तो इज़ सेकेंडरी में ज्यादा होगी ये सेकेंडरी अल्कोहल तो इसमें तो ऊपर वाले में तो मेरे को कॉन्सेंट्रेटेड एच लेना पड़ा यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एच तो लेंगे लेकिन उधर मेरे को हीट भी करना पड़ा साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 देना पड़ा हीट पे करना पड़ा क्योंकि प्राइमरी था सुस्त है, नहीं जाना चाह रहा लेकिन सेकेंडरी में क्या फायदा हो गया मेरे को एक तो कंसंट्रेशन थोड़ी कम ले सकती हूं 85% H2SO4 लिया और थोड़ा टेंपरेचर कम किया जैसे इसमें किया 440 केल्विन और इसमें था 443 443 केल्विन टेंपरेचर एक इसी रिएक्शन का पूरे दो चैप्टर्स में आपसे एक्सपेक्टेड है पिछले में भी किसी का टेम्परेचर एक्सपेक्टेड नहीं था इसमें है इसका टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है तो yes थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हुआ कंसंट्रेशन भी कम हुई सेकेंडरी ने हिम्मत दिखाई अपने ओ OH को निकाला दो दो पड़ोसी हैं ये तो हुआ एल्फा कार्बन इसके दो दो बीटा है दोनों बीटा में से एक एक एच निकाल देती हूँ मैं दो प्रोडक्ट हो जाएंगे तो जब मैंने ये वाला निकाला तो क्या होगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री ब्यूट टू ये बनेगा मेजर क्यों क्योंकि ये सेट है. ये more substituted है जो ज्यादा स्टेबल होता है जिसको हम सेटेफ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं इसका माइनर भी बनाना चाहिए इधर वाले के साथ तो इसका माइनर भी बना देते हैं पूरा रेपिटेशन है आपके अल्काइल हेलाइट का तो जो लोग एलकाइल में थोड़ा भी सफर कर रहे हैं वो अब एडवांटेज ले सकते हैं उस टॉपिक को एलिमिनेशन को वहां दोबारा पढ़ लीजिए आज अगर टाइम अलाउ करे तो एच और ओ एच सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री ये बन गया ब्यूट वन इन विच इज माइनर ये हुआ आपका डिहाइड्रेशन अब दोनों प्रोडक्ट आपको बनाने आने चाहिए मेजर और माइनर तो अब एक एग्जाम्पल मैं टर्शरी का भी ले लूं ताकि आपको छप जाए दिमाग में हाँ जी ऐसे कराया जाता है इस तरह से इसको याद रखना है तो एक एग्जाम्पल मैं टर्शरी का भी ले रही हूँ राइट आई होप इतना नोटेड इतना समझ आ गया होगा सो so, एक और एग्जाम्पल अब टर्शरी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये देखना बच्चों दिस टर्शरी एल्कोहल इसको टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल भी कहते हैं दिस इज टर्शरी एल्कोहल इसको तो जी पहले अपनी खुद की ईज इतनी है सिर्फ बीस परसेंट एच टू एस दो और टेम्परेचर तो सीधे तीन सौ पचास के आसपास पहुंच गया बस इतनी रिक्वायरमेंट है तो मतलब ये सौ डिग्री से भी कम है टेम्परेचर सौ डिग्री सेंटीग्रेड से इतना ही इसको चाहिए बस उसके बाद क्या होगा ये एच तो निकल ही जाएगा और तीन तीन बीटा है बाई चांस तीनों ही सेम है किसी से मर्जी निकाल दो तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है प्रोडक्ट क्या बना मैं इधर वाले से निकाल रही हूँ राइट इस वाले से ओएच OH और इधर वाले बी जिसको मैंने अंडरलाइन किया इस बीटा कार्बन से एच निकाल दूंगी तो डबल बॉन्ड ये ये और ये इसका आईयूपीएसी नेम सोचो बच्चों मैंने एक तो ये ओएच OH तो निकलना ही है डिहाइड्रेशन में और ये वाला एच निकाला है एक एच जिसकी वजह से डबल बॉन्ड इधर आएगा तो शायद म सोचा हो हमने वन टू थ्री बट ये तो नेमिंग गलत है क्योंकि इसमें मेरा फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड मिस हो रहा है तो आई कैन नॉट डू दिस आई हैव टू डू देखिए मेरे को क्या करना चाहिए मेरे को वन टू थ्री इस तरह से लेना चाहिए डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो तो वन टू थ्री तो सबसे पहले तो मेरे को सेफ होना है प्रॉप वन इन उसके बाद टू पर मिथाइल Of course, इसमें वाटर तो बनेगा ही है तो ये आपके पास आई बात के साथ तो तीनों है ये भी आपका देखा हुआ है पढ़ा हुआ है तो अगली स्लाइड पे शिफ्ट करूं पहले बता दीजिए इसमें किसी को सेट या किसी में कोई प्रॉब्लम लगी तो मुझे बताएं फिर मैकेनिज्म के बाद I'll switch to last reaction that that is oxidation test test so so time proper physics class से पहले देना है. So, इसके बाद आ जाता है mechanism इसका mechanism again आपके लिए repetition है have a look confused नहीं होना लेकिन first step नाम लिखते ही आपको अब आ जाना चाहिए सारा कुछ किसी ना किसी बहाने करा दिया है लेकिन इस तरह से नहीं प्रोटोनेटेड प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल पहला स्टेप तो है जी आप एसिड दे रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड तो ऐसा हो सकता है एल्कोहल प्रोटोनेट ना हो हर हालत में होगा तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल सबसे पहले तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल है तो आर ओ एच पहले स्टेप में इसके साथ लगा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ने H प्लस देना है तो आपको लास्ट क्लास में भी ये प्रोटोनेशन वाली बात बताई थी बट जिन्होंने मिस की उनके लिए पहली बार है प्रोटोनेट होकर ऑक्सीजन लालच में हो तो जाएगा प्रोटोनेट क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है बस लोन पेयर है दे देगा प्रोटोन को बट ओ पॉजिटिव तंग हो गया पॉजिटिव चार्ज तो मुझे नहीं चाहिए था लालच महंगा पड़ गया तो उसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है बाहर निकल जाएगा जब वो बाहर निकल जाएगा उसके चक्कर में क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइम स्टेप स्टेप का नाम लिखा है। में क्या होगा ये जो आर ओ ये जो लालच में बन गया था ना ये वॉटर को बाय बाय बोलेगा, बाहर जाओ वॉटर ओ क्यूं? क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था आई एम नॉट ये इसका बॉन्ड छीन के चलता बना वॉटर निकल गया पीछे क्या बचा आर से बाउंड छीन लिया आपने तो उस पर आया पॉजिटिव चार्ज तो ये जहां मैंने आर लिखा है वहां मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं सी एच थ्री सी एच टू लिख दूंगी मेक श्योर sure आप भी उस चीज को अंडरस्टैंड करें तो तीसरा स्टेप क्या होगा कार्बोकेटाइन जैसे ही बन गया ना ब्रैकेट में लिख दो रीअरेंजमेंट के लिए ये अब एनरोल्ड है करेगा अगर पॉसिबल हुआ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना तो तीसरा और आखिरी स्टेप कार्बोकेटाइन स्टेबल तो है नहीं अब वो डी करेगा जो पहले स्टेप में उसने प्रोटोनेशन करके उधार ले लिया था ना H प्लस का अब वो कहेगा वापस लेके जाओ डी तो ये बात ध्यान रखना स्टेप्स के नाम ही की है अब डी दिखा दूं मैं सपोज ये जो R था ना मेरे पास वो था सी थ्री सी टू पॉजिटिव ये एक H को बाहर भेजेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए मेरे को मेरा पॉजिटिव चार्ज से मुक्त करो तो ये अपने पड़ोसी से क्या ले लेगा तुम अपने H+ प्लस को बाहर भेजो और ये बॉन्ड इधर पहुंचा दो सो so दैट दोनों सी एच टू डबल वो प्रोटोनेशन जो फर्स्ट स्टेप में हुआ था यानी वो एसिड जो कंज्यूम हुआ था मेरा खर्चा हुआ था वो एसिड रीजेनरेट हो गया रीजेनरेट हो गया अब इस मैकेनिज्म को लेके दो तीन छोटी छोटी चीज रिवाइज करा रही हूँ ये मैकेनिज्म पहले आपकी कॉपी में आए तब उसको लिखने का फायदा है तो आ गया सबकी कॉपी में और शुड आई वेट नैन्सी आया शिवांश क्लास में और गुरकीरत हैं ये दोनों मैं मैं तो हूं, मैम शुरू से ही शुरू से ही हो तो फिर तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया लास्ट क्लास का जवाब दो मैं वो काम आ गया था शाबाश काम आ गया था ठीक है अगर तुम मेरे को काम की असलियत बताओगे तो शायद मेरे को लगे भी बुरा कि मेरे को गुरकीरत को टोकना नहीं चाहिए शायद पिछले दो महीने में पहली बार है जो तुमने तो करते, तुम टेस्ट मिस करते तो ही तो ही नहीं गुरकीरत कभी भी नहीं किया शायद इसीलिए स्लाइड में शुरू शुरू में तुम्हारा नाम था भाई ये बच्चे भी छोड़ रहे हैं जो कभी नहीं छोड़ते थे तो मुझे दोबारा मौका ना दो शिवांश सर है जिन बेचारों ने डांट खाई है कुछ डांट तो तुम दोनों के हिस्से की भी थी उसमें चलो ये मैकेनिज्म अगर नोट हो गया हो तो इसके बाद में आती हूं इसके रिगार्डिंग वो चीजें जो मैंने बोल दी बट शायद आपने ना लिखी हो। एसिड जो यूज हुआ था इज रीजेनरेटेड इन स्टेप थ्री इज रीजनरेटेड इन स्टेप थ्री दूसरी बात ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव है माने दो प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें से एक मेजर होगा और ज्यादातर ज्यादातर मेजर जो है वो सेक्स एफ है ठीक है तीसरी चीज जो बता चुकी हूं स्टिल आपको बता दूं क्योंकि कार्बोगेटाइन बनता है इट इज एलिजिबल फॉर री री अरेंजमेंट्स को यानी शिफ्ट्स को हाइड्राइट शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट को तैयार रहो मैं भी करवाऊंगी और चौथी चीज इसका जो मैं बताना भूल गई स्टेप टू जो फॉर्मेशन था स्लोएस्ट है पूछते हैं मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया है इसमें मैकेनिज्म में फिट करके कि मुझे इन तीनों के ऑर्डर इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालने को दिया है मैकेनिज्म मेरे को सोचना पड़ेगा किस रिएक्शन का ऑर्डर प्लस एच टू एसओ फोर देके और जी हमने तो पता नहीं कोई बताओ ये ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का तो, एल्कोहल को एसिड के साथ एल्कीन और वाटर बना रखकर पूछा है इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल पूछा है बकायदा अब मेरे को पता चले फर्स्ट ऑर्डर है जीरो ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है, तब ना जाके मैं इसमें इंटीग्रल इक्वेशन लगाऊं, जैसे इस बार भी आप लोगों को मैंने केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन ऐड करके दिया था रुद्र ने उसका उसके लिए कॉल भी किया था कि मेरे को बताओ तब मैंने कहा था सोल्यूशन देख के देखो आ जाएगा बड़ा डायरेक्ट है यही पर हम घबराते हैं बस तो अब मैं वो मर्जर भी शुरू कर चुकी है और वही दूंगी आपको तो जब आपको पता चलेगा ना इसका इस सेकंड वाला रेट डिटरमिनिंग तो ये तो फर्स्ट है, खाली जो स्टेप है, ये, थोड़ा थोड़ा आपको ऑर्डर मोलिकुलरिटी में पकड़ सकती है इसलिए ये तो ये तो खत्म हुआ डिहाइड्रेशन आपको लास्ट रिएक्शन पे आज की क्लास के लेके जाऊं उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब मांग रही हूँ दो और मैं नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक पे पहुंचू लास्ट कैटेगरी एल्कोहल खत्म सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच मेरे साथ साथ चलो और मेरे से पहले जवाब चैट बॉक्स में आई वुड लव टू सी दिस एंड आप इसको एसिड तो दे ही दे रहे हैं ऑब्वियसली साथ में वॉटर दे रहे हैं एसिड की सोल्यूशन और एक्सेसिव ऑफ एसिड को वॉश करने के लिए वॉटर दिस एच प्लस एजेंट, ये ये दिया, प्रोडक्ट? सो hmm. so आपके पास कार्बोकेटाइन आया आफ्टर शिफ्ट क्यों हुई शिफ्ट क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के, के मुकाबले टर्शरी कार्बोकेटाइन आय हमेशा ज्यादा स्टेबल है तो ये हुआ अब क्या करेंगे हम डिहाइड्रेशन होना था अब मैं ढूंढूंगी बीटा कार्बन ये तीन बीटा कार्बन मेजर माइनर सोचते हैं पहले मैं अंदर वाले बीटा कार्बन से एच निकाल दू तो उससे क्या बनेगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री कौन से वाला एच निकाला मैंने यहां से एक एच निकाला तो यहां आएगा ना डबल बॉन्ड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है ये दोनों बीटा सेम से हैं ये जो दोनों पेरिफेरल हैं ये दोनों बीटा सेम से हैं। तो इनमें से किसी एक से भी एच निकाल देते हैं अब मैं इससे निकालती हूँ मेरी लाइंस शायद आपको दिख रही हो प्रॉपर तो अब कोने वाले से निकाल लेते हैं एक एच दिस डबल बॉन्ड ऊपर का सी एच थ्री एज इट इज और अंदर वाले को बीटा को हमने नहीं छेड़ा वेरी क्लियरली विजिबल दिस

तो ये आप देखिए इस पूरे रिएक्शन में मैंने डिहाइड्रेशन में सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया जो पिछले चैप्टर में में एलिमिनेशन में लगाया था HCL निकलते हुए कॉपी सेम था बस यहाँ रिएजेंट एल्कोहलिक के हुए आ जाता था एल्कीन बनते थे तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन खत्म मैंने आपको इसकी बुलेट्स जो लिखवाई थी मैकेनिज्म के बाद चार उसमें एक और लिख लीजिए आज के टेस्ट में वरना परेशानी होगी डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से यूज हो सकते हैं कौन कौन से यूज हो सकते हैं रोड मैप वाले क्वेश्चन में कई बार धोखा हो जाता है एक तो H2SO4 आपको याद कराई दिया एक अब आगे आप देखोगे Al2O3 तब तो मैं दोबारा से अल्कोहल के क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन खत्म आज सदैव सदैव के लिए हमेशा के लिए तो मेरे को डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स पता होने चाहिए एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो अगले चैप्टर में इंट्रोड्यूस होगा बट रिएक्शन में आज ही से टेस्ट में आज ही से और डीपीपी में आज ही से मिल जाएगा ये तीनों के तीनों का सिर्फ सीधा साधा एक काम है एल्कोहल के ऊपर वाटर निकाल देना तो चाहे एच टू एस ओ फोर हो यही काम होगा ए एल टू ओ थ्री हो यही काम होगा एच थ्री पीओ फोर अगले चैप्टर से खूब यूज होगा एनसीआर ने क्या स्टैंडर्ड फॉलो किया पहले एक की आदत डालो फिर दूसरे की फिर तीसरे की तो रिएक्शंस में बट जब क्वेश्चंस देने में हमें मजबूरी रहती है कि कितने क्वेश्चन बाद में कराएं सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट अर्ली आपको याद भी हो जाए यहां डिहाइड्रेशन खत्म लास्ट रिएक्शन फॉर टूडे जो एल्कोहल को एंड करने के लिए है दैट इज ऑक्सीडेशन ये ये एज अ होल किसी कैटेगरी का नहीं है एज अ होल एल्कोहल के लिए रिएक्शन है लास्ट कैटेगरी है एल्कोहल alcohol की एल्कोहल्स खत्म हो जाएंगे फिनोल का एक छोटा सा स्ट्रेच बचेगा जो फिनोल के स्पेशल रिएक्शन हैं वो ऑर्थोपेरा पे बनना वो सब वो हम अगली क्लास में लेंगे ले। राइट जपनीत आ, बिल्कुल सही तो अब हम लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन पे आते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लास को जल्दी खत्म करने का परपज क्या होगा सिर्फ एक ताकि आप टेस्ट दे पाए प्लीज दीजिएगा टेस्ट चाहे स्पीड स्लो हो जाए लेट हो जाए सिलेबस खत्म कोई बात नहीं तब आप मेरे को कहोगे सिलेबस लेट क्यों खत्म किया मैं यही याद दिलाऊंगी तुम लोग मेरा टेस्ट नहीं देते थे इसलिए मेरे को स्पीड स्लो करनी पड़ी टाइम आपको टेस्ट के लिए ज्यादा देना पड़ा चलिए सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लास्ट कैटेगरी पूरी ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन के लिए एक रोडमैप फॉलो होता है एल्कोहल्स को कभी भी आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो पहले तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन बना के रुकेगा अटकेगा और उसके बाद वो एसिड की तरफ जाएगा अगर तो आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया ओ तो, तो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन पर रुक जाएगा लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो रिएक्शन वाया एल्डिहाइड कीटोन सीधे एसिड पे पहुंचेगा रुकेगा नहीं राइट इधर क्या अगला चैप्टर क्योंकि अगले चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड डी एंड एसिड्स इधर की बात में अभी नहीं कर रही अभी सिर्फ एल्कोहल से शुरू होके मुझे दोनों फ्लोर तक कैसे जाना है एल्डिहाइड कीटोन तक और एसिड तक तो अब सबसे बड़ी बात आती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्या पहले तो वो समझ लू मैं बाकी की बात बाद करूंगी। में करूंगी के केस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज द द क्लासिकल क्लासिकल डेफिनेशन डेफिनेशन कन्वेंशनल सेज दिस मैं एल्कोहल को थोड़ा ऐसे लिख लिया अब तक ओएच OH को सीधा लिखते थे मैं ओ OH एच को यहां लिख रही हूं वैसे भी ये लिखना सही है क्योंकि हमें पता है बेंट जोमेट्री होती है ऑक्सीजन की एनीवेज ऑक्सीडेशन की क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो दोनों में से कुछ भी हो ना उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन ठीक है जी यहां से ऑक्सीडेशन पहली स्टेज में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ये दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे हमेशा कोई और हाइड्रोजन नहीं कोई बीटा अल्फा एक्स एक, वाई जेड ढूंढना नहीं जिस कार्बन पर एच OH लगा है उसी कार्बन से एच जाएगा क्योंकि ओ से भी एच जाएगा एल्कोहल का ओ OH एच का एच निकालो उसके साथ वाले कार्बन का एच निकालो रिमूवल ऑफ एच बनेगा क्या देख लेते हैं? अब जहां से तुमने दोनों एक-एक चीज निकाल डाली वो आपस में क्या करेंगे वो आपस में एक बॉन्ड और बना लेंगे भाई वैलेंसी तो पूरी करनी है अब यहां पर एच एच है, है क्या है वो डिसाइड कर देगा एल्डिहाइड बनना है या कीटोन बनना है। दोनों सी एच थ्री होंगे तो कीटोन बन जाएगा एक CH3, एक H होगा तो, तो चुपचाप ये दो एच निकालिए सारे क्या एल्कोहल तीन ही है तीनों आपके सामने ले आती हूँ ऑक्सीडेशन में हमें कोई फाइट ही नहीं आएगी तो अब मुझे उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने तो लेट मी राइट इट अगेन अगर मैं अल्कोहल को सिर्फ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने की कोशिश करूं और चाहू देखना उससे क्या बनेगा या स्ट्रॉन्ग भी दूंगी तो भी मुझे पता है फर्स्ट स्टेज में तो यही बनेगा वो रुकेगा नहीं लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा ही कुछ बनेगा तो ये रहा अल्कोहल अल्कोहल से ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा दिस एल्डिहाइड और कीटोन ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन अब इसके लिए पहले तो मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो ये भी आपके सारे वॉल्यूम वन में सुने हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग दो आपने बड़े अच्छे सुने हुए हैं एक एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन डी एंड एफ ब्लॉक में यही दो पड़े हैं के टू टू ओ सेवन और दूसरा समझ गए होंगे आप एसिडिक एल्कलाइन न्यूट्रल कुछ ही ले लो स्ट्रॉन्ग लेना है तो एसिडिक प्रेफर करेंगे हम आपको पता है इतना भी पता है आप किस में छह इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है किसमें पांच इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट दैट इज के एक और आएगा अभी जो मेरी आखिरी लाइन होगी आज की क्लास की वो मैं यहां फिर आके ऐड कर दूंगी अभी रोक रही हूं उसको पहले इतना याद कर लें एसिडिक के टू सी आर टू सेवन और एसिडिक के एम एनोफोर इवन एल्लाइन के एम एनोफो भी ये तो मैंने एसिडिक वैसे लिख दिया एल्कलाइन भी बड़ा स्ट्रांग होता है वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जहां आपको एल्कोहल के आगे ये लिखा दिखे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नहीं सोचना एसिड बना दे दो वो भी बनवा भी लूंगी लेकिन अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे को लिखा मिलता है रोड मैप है ये तो कि ये तो बेसिक है ये तो सबको पता होना चाहिए तो एसिड बन जाएगा कौन सा बट अब ऐसी बातों से तो काम चलने वाला नहीं है ना मेरे को रिएक्शन चाहिए बट उससे पहले माइल्ड वाले भी तो बताओ इस चैप्टर में तो मेरे को से दोनों तरह की चीजें देखी है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो ही हैं बच्चों सी आर ओ थ्री शर्ती एनहाइड्रस वॉटर ना हो साथ एनहाइड्रस और दूसरा पी सी 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 का पूरा नाम पहली चीज तो फुल फॉर्म पेरिडीनियम पेरिडीनियम इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ये बोर्ड में वन मार्कर में बहुत आया हुआ है क्लोरो क्रोमेट पीसीसी मतलब पेरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट ये बला क्या है ये भी बता दो जी इसके अंदर तीन चीजें होती है एक तो नाम बता रहा है पिरीडीन प्लस दूसरी चीज HCN जहाँ से क्लोरो आता है तीसरी और मेन चीज क्रोमेट कहाँ से आता है CrO3 इन तीनों को मिला के PCC बनता है बहुत बार पूछा गया व्हाट इज PCC ये सारा देना है उसका नाम और उसमें क्या तीन चीजें होती हैं ये तीनों माइल्ड हैं माइल्ड का मतलब क्या है एल्डिहाइड और कीटोन की स्टेज तक रोक देंगे तो अब मैं आपको याद करवा देती हूं एक या दो रिएक्शन लूंगी उससे ज्यादा नहीं इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की खूबसूरती देखिएगा अब आप रिएक्शंस में हाउ पिकुलियर एंड पर्टिकुलर दे आर इन देयर वर्क जिसको हम कह सकते हैं बहुत फोकस्ड है अपने काम से काम रखने वाले अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल को आई एम मेंशनिंग स्पेशली प्राइमरी विद अ पर्पस पीसीसी दे दिया ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है पूरे ग्रुप में इधर उधर देखता भी नहीं बड़ा लॉयल है प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप के लिए दैट टू इन देखा भी नहीं इसमें डबल बॉन्ड भी तो था उसको भी तोड़ के दोनों साइड कुछ कर सकता था इतना लेबाइल ना अपना काम एक किया वो किया दूसरी चीज सी एच थ्री अब मेरे को से, से, सेकेंडरी अल्कोहल भी लेना चाहिए सी एच सी एच थ्री इसके साथ एच oh. इसको भी पीसीसी दे देती वही, इधर से एच गया इधर से एच गया इसमें क्या हुआ था ये वाला गया गया था, था, था एल्डिहाइड आ गया था इसमें ये दोनों एच गए क्या हुआ सी एच थ्री सी जो चीज चली गई वो हटा दी देखिए अब वैलेंसी का है ना इनकम्प्लीशन डबल बॉन्ड तो मैंने आपको एल्डिहाइड भी बना के दिखा दिया कीटोन ये सारे रिएक्शन में एनसीईआरटी से लाई हूं अपने मन से एक भी नहीं कहीं आपको ये लगे मैम बहुत हाई फाई पढ़ा रही है मेरे से हो नहीं रहा है। तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन अब एक आखिरी टर्शरी देने से पहले सी एच थ्री क्योंकि मैंने दो रिएजेंट्स लिखवाए अभी तक मैंने सिर्फ पी यूज किया है तो ऐसे ऐसा ना हो कि आपकी भी पीसीसी से आदत पड़ जाए और हर साल देखती हूं जब मैं पूछूं बच्चे मेरे को पीसीसी का देते हैं इसमें दूसरा भूलना नहीं है आपको दिस सेकेंडरी एल्कोहल इसको मैंने कौन सा अभी आप देखिए पीछे मैंने वीक लिखवाया CRO3 थ्री उसके बारे में और कुछ नहीं इंफॉर्मेशन शेयर करी आपसे अब करूंगी सी आर ओ थ्री सी एच थ्री सी डबल सी आर ओ थ्री सिर्फ सेकेंडरी एल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है प्राइमरी को नहीं तो प्राइमरी को जब जब तुम्हें यूज करना पड़े तब तब कोशिश करो PCC सेकेंडरी देखा आप लोगों ने मैंने आपको दिखा दिया भाई पीसीसी सेकेंडरी को भी करता है और अगर आप देखें तो सी आर ओ थ्री जो है वो प्रेफरेबली सेकेंडरी को करता है मैंने यहां पर यही लिखवाने की कोशिश की है कि पी आर ओ थ्री इज गोइंग फॉर प्रेफरेबली CO3, जो बन रहे हैं, उनको क्योंकि एसिड मैंने अगले चैप्टर में बनाने सिखाने हैं क्योंकि घा हो जाए आपको पहले प्रॉपर आना चाहिए तो यहां पर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की आपको आदत डाली तो लास्ट उसमें आप एक चीज और लिखिए टर्शरी का मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया टर्शरी एल्कोहल अब ले लेते हैं आज और कोई रिएक्शन नहीं होगा बस अब यही है दिस। इसके उस, इसके आगे सबसे पहले लिख लीजिए ये हम में से कुछ लोगों जैसा है स्टबन स्टबन टू ऑक्सीडेशन राइट ये हम में से कुछ लोगों जैसा है स्टबन टू ऑक्सीडेशन जिद्दी है टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्ट नहीं करता पहली चीज ये ऑक्सीडेशन नहीं शो करता डू नॉट ऑक्सीडाइज इट इज टबन टू ऑक्सीडेशन तो माइल्ड तो भूल जाओ स्ट्रॉन्ग में भी मेरे को पता नहीं क्या ड्रेस्टिक कंडीशन देनी पड़े दी मेरे को जिद चढ़ गई मैंने तो देना है उससे पहले एक चीज अर्नव यू यस्टरडे नाइट अगेन तब न, ये आज ही तब मैंने आपको कहा था आज ही आना है और मैंने अभी आपको चलते चलते कही थी ये बात यहाँ एक और लाऊंगी पहले ये सेटल हो जाए वो तीसरा यहाँ लिख लीजिए सॉरी यहाँ नहीं ऊपर वाले में लिखना था तीसरा मैं यहाँ लिख ली गलती से वेन आई टोल्ड यू एक और अभी आएगा वो लिखिए यहाँ पर जोन रिएजेंट

CRO3 के साथ पीर एचियल बना दिया इसका काम कुछ और था CRO3 के साथ H2SO4 आपने लगा दिया इसका काम कुछ और है आई एम टेकिंग इट फ्रॉम एनसीआर मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है कि अलग से कहीं से कुछ लाई हूं जोन रिएजन प्राइमरी एल्कोहल को एसिड तक पहुंचाएगा वो ही अब मैं आपको कराने लगी थी सो मुझे लगा वहां पे पहले नोट करा दू तो अब मैं आपको एक प्राइमरी एल्कोहल दे रही हूँ सी एच थ्री सी एच टू ओ एच अगर आपने इसको जोन रिएजेंट दिया सी आर ओ थ्री विद एच टू एस ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा देर इज नथिंग लाइक एल डी हाइड की इन बिटवीन और टर्शरी के लिए हमने क्या बता दिया टर्शरी अल्कोहल जिद्दी है नो no ऑक्सीडेशन सब चला मेरे पास आ जाता है ठीक है बच्चा हो गया नोट यस yes, मैम ये मैंने लिया आपके लिए टर्शरी एल्कोहल अगर आपने इसको दिया जी के टू सीआर टू ओ सेवन और क्रोमिक एसिड एच टू सी आर टू ओ सेवन क्रोम स्ट्रॉग एसिड प्रेजेंस में दे दिया सब कर दिया ड्रेस्टिक कंडीशन यूज कर ली तो क्या होगा अब होना पड़ेगा ऑक्सीडाइज इसको आपने इसकी इसकी जान ले ली लिटरली सी सी बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे इतनी टफ कंडीशन में इतना स्टेबल कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे एंड विल गेट मिक्सचर ऑफ वेरियस एसिड्स लाइक ये टूटा एक कार्बन का एसिड का फ्यूचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है बच्चों और बाकी बच्चे तीन कार्बन सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच तीन कार्बन का एसिड ऐसा और एक कार्बन का एसिड ऐसा इसके बारे में डिटेल अगले चैप्टर में है जो लोग थोड़ा भी अलग से बुक से पढ़ रहे हैं किसी और बुक से ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं उनका सामना इस क्वेश्चन से इस चैप्टर में हो सकता है मैं नहीं करा रही बकायदा इसका पॉप ऑफ रूल आएगा अगले चैप्टर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की कौन सा टूटेगा कौन सा नहीं टूटेगा किधर वाले को तोड़ेंगे किधर को नहीं तोड़ेंगे सो आई एम नॉट टेकिंग इट बिकॉज इट इज सारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ा सकती ये अगले चैप्टर का है सो टर्शरी अल्कोहल को आपने तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका यह असर होगा मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिलेंगे या इस चैप्टर के हिसाब से मैं चलूं तो यह चैप्टर क्या कवर करता है टर्शरी अल्कोहल को आपने तोड़ने की कोशिश करी किसी भी ड्रेस्टिक कंडीशन से कुछ भी करके टिल दिस चैप्टर आपको हमेशा याद रखना है पहली स्टेज तो क्या होगी बॉन्ड टूटा एक कार्बन का टूटा बॉन्ड तो कार्बन डाइऑक्साइड बाकी जो हिस्सा बचा उसका कीटोन वो बात अलग है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये कीटोन फिर आगे जाके बनना इसने भी ऐसे है लेकिन वाया दिस कीटोन तो ये तो हुई ऑक्सीडेशन की बात तो हम इसको समराइज करें उसके साथ साथ एक चीज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिवाइज कर लेते हैं पहले मैंने देखा के टू अभी क्लास खत्म नहीं हुई है सो जैसे मैं रिवाइज करूं कोई निकला तो अगली क्लास में उसका नाम पहले लिखा होगा और उसको दफा यहां से करूंगी के टू सीआर टू ओ सेवन और एसिडिक एम एन ओ फोर और एक और लिखवाया जोन्स रिएजेंट ये थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे माइल्ड मैंने क्या लिखवाया एक था पीसीसी सी सी एक सी आर ओ थ्री बट किसके साथ जो माइल्ड लिया था हमने वो किसके साथ नहीं मतलब उसकी कंडीशन क्या थी एनहाइड्रस टर्शरी के लिए मैंने क्या बोली आपको बात टर्शरी एडमेंट है स्टबन है नॉट इजीली ऑक्सीडाइज ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं करता है फिर भी अगर मैंने एक आखिरी चीज जहां ये मेरा पूरा खत्म होता है यही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है सब कुछ सेम कुछ नहीं फर्क पड़ रहा जो रिएक्शन आपने किए वो पूरे रिवाइज हो जाएंगे ऑक्सीडेशन ओनली के व्हाट हैपन अगर आप कॉपर ट्यूब में हीटेड समवेयर अराउंड 550 कैलविन के आसपास हीट करते हैं उसको डाल दिया तीनों एल्कोहल्स को तो भी ऑक्सीडेशन ही होता है ये रिएक्शन एनसीआरटी ने पूरे आधे पेज में कवर किया तो भाई इंपॉर्टेंट है आधा पेज किसी रिएक्शन को बहुत बड़ी इज्जत है एनसीआरटी की तरफ से जबकि है सेम ही, हीटेड कॉपर ट्यूब मैं सिंपली आपके सामने बच्चों एक प्राइमरी एल्कोहल डाल रही हूं ये प्राइमरी एल्कोहल कॉपर ट्यूब में डाला उसको हीट किया टेम्परेचर में आपको पहले ही बता चुकी होगा वही ये वाला एच जाएगा इसी कार्बन का ये वाला एच जाएगा तो क्या बनेगा प्राइमरी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से जो बन रहा था वो बनेगा एल्डिहाइड, प्रोपेनल यही मैंने सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया होता सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू अब ये सेकेंडरी एल्कोहल नहीं एम सॉरी गलती से बना गई मैं यहीं पर ओ OH एच लगाना था एम सो सॉरी दिस सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो क्या होगा ये वाला H जाएगा और ये वाला H जाएगा वही हीटेड कॉपर ट्यूब और क्या बनेगा सी एच थ्री डबल बॉन्ड O। तो कह सकते हो ये भी तो माइल्ड एजेंट है भाई जब मैं ऊपर माइल्ड एजेंट्स आपको लिखवा रही थी मैंने नहीं लिखवाया अब समरी में आप लिख लो क्योंकि एनसीआरटी ने इसको अलग से पूरा बताया है कुछ वैल्यू होगी वो आपको समझ आ जाएगी कुछ टाइम बाद इसीलिए इसको मेरे को अलग से बताना जरूरी है हीटेड कॉपर ट्यूब प्राइमरी का दिखा दिया सेकेंडरी का दिखा दिया टर्शरी का अब समझ में आएगा इसको अलग क्यों बताया गया टर्शरी एल्कोहल भी बना देते हैं सी एच थ्री सी जो जिद्दी है हम जानते हैं वो स्टबन है वो नई ऑक्सीडेशन दिखाना चाहता फिर भी हीटेड कॉपर ट्यूब में अगर आपने डाला तो इसमें कुछ नया ही हो जाएगा क्या नया हो जाएगा ऑक्सीडेशन तो ना होता जी इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ए एल टू ओ थ्री पढ़ के आई हूं एच थ्री पीओ फोर पढ़ के आई हूं एच टू एस ओ फोर पढ़ के आई हूं एकदम से मुझे पता चलता है टर्शरी एल्कोहल में हीटेड कॉपर ट्यूब के सामने मैं उस टर्शरी एल्कोहल को पास कर दूं हीटेड कॉपर ट्यूब के थ्रू तो उसमें ऑक्सीडेशन तो होना नहीं है वो जिद्दी है उसमें क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन माने एक एच और पड़ोसी यानी बीटा कार्बन से एक एच इधर से एक ओ OH. एच तो वही डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट बन गया जो आज पहला रिएक्शन था इसीलिए आज लेना इसको जरूरी था दिस एंड दिस एल्कीन बन गया बिल्कुल ही उल्टा काम तो इट इज हीटेड कॉपर ट्यूब जो प्राइमरी और सेकेंडरी का तो ऑक्सीडेशन तो कर देती है टर्शरी का डिहाइड्रेशन That's all about today's class. अब बोलो क्या कह रहे होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रियांशु यह क्वेश्चन एक ड्रॉपर पेज इस बहुत बढ़िया अगर मैंने यहाँ पर यह दोनों के दोनों आर ग्रुप सेम लिए तब तो फाइट नहीं है ठीक है क्योंकि मैंने सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड लिया बड़ी चालाकी से और बच गई लेकिन तुमने छोड़ा नहीं बहुत सही आर डैश और आर डबल डैश दोनों आर डिफरेंट हो तो आ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं देन विल से इट इज नॉट अ गुड मेथड टू फॉर्म एस्टर क्योंकि इसमें दो तीन तरह के एस्टर आ जाएंगे क्योंकि दोनों के बॉन्ड टूटने का इक्वल चांस है अभी तो. तो ये तोड़ के भी आपको दोनों प्रोडक्ट्स देने होंगे ये तोड़ के भी आपको दोनों प्रोडक्ट्स देने होंगे क्लियर पहली चीज प्रियांशु इतना क्लियर दूस, दूसरी चीज एक बात और देखना ईज ऑफ एस्टरीफिकेशन जितना बड़ा आर उतनी कम तो जो आर बड़ा है बॉन्ड तो उसका टूटेगा बट माइनर किसका टूटेगा जो आर छोटा है क्लियर